फैटी लीवर के अलावा कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, मतलब सूजन हो, तो ठीक करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। और ये है एग, मैंने अपने लिए बनाया है और काफ़ी टाइम से मैं वेट कम करने के चक्कर में मतलब कुछ भी ऑयली नहीं खा रही थी, बट आज संडे है तो संडे आते ही ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ नया खाना चाहिए या अच्छा खाना चाहिए। तो मैंने एक अपने लिए चाय बनाई और उसके बाद मैंने एग लिया। और देखिए माशाल्लाह से हमारे घर का ये डेली रूटीन है, मतलब मेरे हस्बैंड रोज़ एक्सरसाइज करते हैं और मुझे भी मोटिवेट करते हैं, बट घर के कामों में मैं कभी कभी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये रहता है कि मुझे सुबह उठ के कुछ ना कुछ तो अपने लिए करना है। आज बच्चे बहुत ज़िद कर रहे थे कि छोले भटूरे बनाने हैं, बहुत टाइम से मैं टाल रही थी, बट सोचा कि आज संडे भी है और घर पे भी हैं बच्चे, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। वैसे तो काफ़ी ऑयली होते हैं, बट बच्चों को तो थोड़ा सा ऑयल दे देना चाहिए, चलिए बड़े लोगों को नुकसान करता है तो कभी कभी चल जाता है ये सब। तो नाश्ता ये मैंने बेटी के लिए बनाया है, बनाया नहीं है तो सिर्फ बिस्किट हैं और चाय है, क्योंकि वो नाश्ता है भी करती ही नहीं है, बस जिस दिन स्कूल जाती हैं तो उस दिन पराठा या घी लगी रोटी ले जाती हैं। तो मैंने ये मैदा निकाला है, मैं बनाऊंगी भटूरे, तो इसमें मैंने सोडा और दही और नमक ऐड कर दिया है, इसमें बेकिंग सोडा और दही काफ़ी क्वांटिटी में मैंने ऐड किया है और नमक ऐड किया है, और मैंने इसे अब इसे गूंद के मैं रख दूँगी। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ छोले, तो उसके लिए ये है गरम मसाला खड़ा और ये है नमक मिर्च और पिसा हुआ ज़ीरा मैं इसमें से डालूँगी, और ये है टमाटर, मैंने दो पीस लिए हैं, और ये है प्याज़, और ये है छोले, और ये है छोले का मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये छोले का पानी है, मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी। और वैसे तो मेरे चैनल पे आपको छोले की और भटूरे की फुल रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ कि इतने मसाले इसमें यूज़ होते हैं। अच्छा, शादी के बाद तो अपने खाने की पसंद रह नहीं जाती कुछ भी, जो घर में दूसरों की पसंद होती है तो वो बस ये आसानी हो जाती है कि बनाने में, कि अगर कोई बता देता कि ये बना लो तो आसानी हो जाती है, वरना अगर अपनी पसंद का बनाओ और कोई ना खाए तो परेशानी हो जाती है। हम लोग ऐसे होते हैं कि शादी के बाद जो भी घर में होता है उन लोगों की पसंद का खाना खा लेते हैं, बस बनाने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आजकल ये घर घर की हेडेक बन गई है कि क्या बनाऊं खाने में, क्या बनाऊं, तो ये तो सभी को परेशानी होती है। जिससे पूछिए आप तो वो ये है कि आज क्या बनेगा, क्योंकि घर में अगर चार लोग भी हैं तो चारों की अलग अलग पसंद होती है, तो ज़्यादातर तो दो खाने बनते हैं सबके घर में। आजकल बच्चों के सबसे ज़्यादा नखरे होते हैं कि ये खाना है वो नहीं खाना है, बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं लेकिन बच्चे एडजस्ट नहीं करते हैं, बच्चों को नहीं पता क्या नुकसान देगा क्या फ़ायदा देगा, तो वो लोग तो आजकल इसी तरह का खाना बताते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी लीवर की कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर ये ड्रिंक उसको पिलाइएगा, जैसे फैटी लीवर, अगर 2 डेट भी है फैटी लीवर तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इसको लो फ्लेम पे बनाना है और कम से कम 5 मिनट तक पकाना है, तो मैं इसको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। इसमें आप पानी लेंगे, पानी आप इतना लीजिएगा कि जितना आप पी सकें, मतलब एक गिलास आपने लिया छोटा एक गिलास, तो पकते पकते कम से कम उसे आधा गिलास हो जाना चाहिए, तो उसमें 4 काली मिर्च और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा इंच दालचीनी और 1/4 चम्मच हल्दी, मतलब कम से कम 2 पिंच तो हल्दी होनी चाहिए, हल्दी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और इसको 5 मिनट पका लीजिए, और ये हाँ सब कूट के डालना है आपको, ये आप लोग 1 गिलास रखेंगी तो पकते पकते वो आधा गिलास हो जाएगा, तो आप लोग सुबह नहार मुँह पिए तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़ायदा करेगा। देखिए नींबू में रस ही नहीं है, लेकिन आप लोग नींबू डालेंगे तो टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा इसमें, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा ये ड्रिंक पी के आप लोग को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये एक जादुई ड्रिंक है, आप लोग ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। फैटी लीवर के अलावा कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो, मतलब सूजन हो, तो ठीक करेगा ये। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।